आप भी फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। याद याद हम करते कोई नहीं, हम तो पढ़ते हैं, याद तो हम करते कोई नहीं, याद किया करो। और देखो ना अल्लाह हजरत फिर आगे फरमाते हैं, फरमाते हैं ओए ओ दुरूद पढ़ने वाले, एक बार देख तो सही तू दुरूद पढ़ किन पे रहा है, है? जो ना भूला हम गरीबों को रदा। अगर ये हमने क्या याद करना है, या हमारा याद करना क्या माने रखता है, क्या पिद्दी का शोर बाद रही है। पर अरे कहाँ वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फिर इकबाल, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। इसलिए जी पढ़ा करो, जो न भूला हम गरीबों को रदा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। वो चलियो वफा करके तो देखो यार, देखो तो सही फिर रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये मेरे जो बुजुर्ग हैं जिनका मैंने नाम दिया है हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि ताला, ईदगाह शरीफ से खिलाफ, आपने कमोपेश 120 साल के करीब उम्र पाई है, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा फजल था अल्लाह का उन पर। ये बहुत खूबसूरत नाम आले सुन्नत हमारे काबिरीन में से हुजूर पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाहि ताला बिकी शरीफ है, अपने वक़्त का खूबसूरत नाम है। वो हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन सुना है कि जब भी कभी आप सियालकोट तशरीफ लाते थे ना, तो आप क़िबला हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि ताला से मिले बगैर नहीं जाया करते। हमने नहीं देखा, क़िबला शाह साहब फरमाया करते थे कि हकीम खादिम अली पक्का फल है, मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ कि इनकी मिठास में से कुछ मुझे भी हिस्सा मिल जाए। वो लिखा है कि जब क़िबला शाह साहब तशरीफ लाते थे, फिर किसी तीसरे को वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, उठा दिया जाता था, और फिर ढेरों बैठ कर मारिफत के मौजू पर गुफ्तगू हुआ करती थी। एक दिन हसब मामूल क़िबला शाह साहब तशरीफ लाए हुए थे, बैठी गुफ्तगू हो रही थी, वो 3 बजे तो आके मुरीदीन ने अर्ज की शाह साहब की बारगाह में, शाह जी 3:30 बजे लारी अड्डे जो गड्डी निकलनी है, तो 3 बज गए ना, तो जाहिर लारी अड्डे जाते भी को 15-20 मिनट लगेंगे, जरा 10 मिनट जल्दी चले जाएंगे तो जरा सीट अच्छी मिल जाएगी। तो अब इस तरह करे हकीम साहब से इजाजत लें, तो क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला ने हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज करते हैं, हकीम साहब फिर मैंने इजाजत दो। आप भी बड़े अदब वाले थे, अगर कोई गैर सैयद होता तो आप हुक्मन कह देते भाई नहीं जाना, अब वहां तो सैयद थे, आपने अदब कदामन नहीं छोड़ा। और उस करते हैं शाह जी मेरा दिल करता है कि आज रात तुसी मेरे कोल रहो, तो शाह साहब कहते हैं हुजूर ज़ाहे नसीब, एक आरफ वक्त खुद कह रहा है मुझे रुकने को, लेकिन ये है कि बच्चे बड़े दूर दराज से पढ़ने आए हैं, मैं अगर रात यहाँ रुक गया तो बच्चों का एक दिन जाया हो जाएगा, इसलिए मुझे इजाजत दें कि मैं चला जाऊँ। अच्छा हकीम साहब ना आजदी करके, क्योंकि अगर ये लोग कोई मौका नहीं जाने देते थे अपनी नफी होने का, अपनी मैं का बुत तोड़ने का कोई मौका ये नहीं जाने देते थे। आरजी करके कहते हैं शादी है जी करो, हाँ आज रात को जी मैंने पढ़ा छोड़ो। शाह साहब फरमाने लगे हजरत आप तो खुद अल्लाह के वली हैं, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा तीसरी बार फिर कहते हैं शादी है करो, जो कल के इसबाक रह जाएंगे ना तो परसों जाके 2 दिन के इकट्ठे पढ़ा दीजिएगा, पाले नजर है। लेकिन शाह साहब फरमाने लगे नहीं हजरत आज इजाजत दो मैं जाना है। अब सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना, अब उठे शाह साहब को रुखसत किया, तांगे पे बिठाया, वापस आके आप अपनी सीट पे बैठ गए और आंखें बंद करके ना अपने यार को पुकारना शुरू कर दिए, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या कय्यू। को 5-10 मिनट गुजरे होंगे, मुरीदीन ने आकर खबर दी किबला शाह साहब का तांगा दे वापस आ गए। उठे मुस्कुराए, जाके शाह साहब का इस्तकबाल किया, ला के पलंग पे बिठाया और पूछते हैं शाह जी गए नहीं। शाह साहब आगे से फरमाने लगे, अर्ज करने लगे कि हम जी
मैं तंगे ते बैठा तंग अड्डे में तुर पिया, थोड़ा जि अगे गया हूँ, चंगी भली धुप चढ़ी सी, पता नहीं कितों बदल आया ते तेज बारिश शुरू हो गई, साथ हवा, आगे बैठता हूँ तो भीगने का खदशा, पीछे बैठता हूँ तो गीला होने का खतरा, दिन सर्दी की है। मैंने कहा कहीं ये ना हो लारी अड्डे तक जाता जाता इतना गीला हो जाऊँ और भिक्की शरीफ तक जाते जाते ठंड से इतना बुखार आए कि बच्चों के कई दिन ज़ाया हो जाए। मैंने तांगे वाले से कहा मोड़ो तांगा, हकीम साहब का ही रह लेने, अजरा हकीम साहब का जवाब सुनना। अब आगे से क्या फरमाते हैं, अब फरमाने लगे शाह जी तानू तीन वारी आख्या तुसी कोई नहीं मन्ने, अपने यार नू एक वारी आख्या मन गया है, 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 कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वो चलिया वफा ते कर, तू कहेंगा सी बदल पा देंगे, और तू आखेंगा तो जिदी औलाद नहीं है ऐसी औलाद दे देंगे, वफा तो करना है, तुझे मांगा क्या है हमने, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क व मा उरीदु अन युतइमून इन अल्लाह हुवर रज़्ज़ाकु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, वो सारा कुछ तो बंदे तेरे लिए है लेकिन तू मेरे महबूब के लिए है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए जी वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, मेहनत करो अपने अल्लाह को याद करो, हुजूर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम पे रज रज के दुरूद पढ़ लो चले हो, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, आपको पता भी नहीं चलना। देखो ना मियां साहब ने कितने दर्द से लिखा, फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर हुए, काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मुहम्मद बख्शा मौत सनेहे आए, फिर बाबा फरीद फरमाते हैं, फरमाते हैं उठ फरीदा सुत्या, तेरी दाढ़ी आया बूर, अगा आ गया नेड़े पिछा रह गई, बड़ी तेजी के साथ गुजर रहे, कोई पता नहीं हजरत जी केड़े वेले केड़ा सरकारी आर्डर आ जाए। अल्लाह हजरत जी हमारा काम है लोगों को डराना, बड़े कम मौके होते हैं जहां हम भी डर जाएंगे। एक दफे खत्म पे गया, मैं डर गया, मैं जिस वक्त पहुंचा ना खत्म पे, जो बच्चा तिलावत कुरान करीम कर रहा था, लेकिन हजरत उसके मखारज, उसका अंदाज, उसका लहजा इस तरह का था जैसे बड़े किसी कारी का पुत्र हो या किसी आलम दीन का बेटा हो, क्योंकि आम बच्चा इतना ऐसा कुरान करीम पढ़ ही नहीं सकता ना, हम लोगों को भी ये शौक रहे हैं हजरत जी। मैंने खुद ही अंदाजा लगाया कि जो उलमा मौजूद है ना, जैसे माशाल्लाह रिजवी साहब हैं, चिश्ती साहब, काफी मुझे तो दो ही नाम बाकी नहीं, मैं बाप से आगा सारे मेरे सर का ताज है, तो वहां भी काफी उलमा, वो जो बच्चा पढ़ के बैठा ना, तो मैंने जो जिन्होंने मुझे दावत दी थी ना कारी अरब हुसैन नक्शबंदी साहब, मैंने हजरत से पूछा, मैं हजूर बच्चे ने बड़ा सोना कुरान पढ़े, ये जो उलमा मौजूद है से किसका साहबजादा है, उन्होंने कहा नहीं हजरत किसी का भी नहीं है, बल्कि आप जिस नौजवान के खत्म पे हैं ना, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 34 साल थी, ये उसका बड़ा बेटा है, और इससे छोटा इसका एक और बेटा है, फिर इसके बाद एक और बेटा, और उस सबसे लास्ट में ना 3 साल की बेटी है। तो मैं हजरत जी डर गया, क्योंकि मेरे भी 4 ही बच्चे हैं और मेरी भी इतनी ही उम्र है, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैंने खुद को सवाल किया, मैंने कहा सुलेमान तू किडे लंबे लंबे प्रोग्राम बना के बैठा है, कोई गल ते दस, उस नौजवान का दिल कीता उन्हें अपना 11 साल का पुत्र छड़ के जानते, उसका दिल मानना होगा अपनी 3 साल की बेटी छोड़ के जाने को, लेकिन हजरत आपको और मुझे पूछना किसने है, ये जो हमने बहाने तराशी है ना, ये यहाँ ही चलने हैं, सबके पास कोई ना कोई बहाना है, आइए नौजवान है, इनको आप नमाज की दावत दें कि बहाना है कपड़े नहीं साफ, अगर आप इनसे बोले ना कि पार्क जाने चली, कहने को नहीं मैं पेंट बदल के आया, जो बड़े हैं इनके पास भी एक ही बहाना है, मसरूफियत का बहाना, लेकिन मियां मोहम्मद बख्शा फरमाते हैं तुझे बड़े बहाने आते हैं, वो ये तो बता इजराइल अलैहि सलाम के लिए कौन सा बहाना ढूंढा तूने, उनको कौन सा बहाना लगाएगा, बच्चे छोटे हैं, दुकान खुली हुई है, मेरी फसल पकी हुई है, मेरी बेटियां जवान है, मैंने शादी करनी है, फरमाते हैं उजर बहाना चलना नहीं,
तेरा कोई बहाना नहीं सुनिया जाना, उजर बहाना चलना नहीं। और जो आखे सो करिए, डिगर नू जो टहना हो कानू कोल कोल मरिए। सभी को बंदा उठ के बोले ना कि मैं नहीं टहना, चलो उससे भी को बात कर लेते हैं। मंदे हो ना कि टहना मंदे हो जी,